हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन होंगे आपके इस मंथ के। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करने से याद आया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, तो अगर डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो ये पेज जरूर आप फॉलो कर लीजिए। ऑनलाइन कक्षा के नाम से है, ठीक है। ऑनलाइन कक्षा फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपके मिल जाएगा। चलते हैं पहले मोटिवेशन से। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात, और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। तो तालियां एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए, क्योंकि वो अपने आप में ही एक मोटिवेशन है। तो इनकी लाइंस ही बोलना ही खुद में एक मोटिवेशन है, इनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इंडिया अभी एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसको पीछे छोड़ के वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट डिजायर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन गया है इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना पहले नंबर वन पे है, मतलब चाइना पहले नंबर पे है, फिर सेकेंड है इंडिया, ठीक है, फिर थर्ड है यूएसए, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अपने यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये बॉर्डर है, ये क्या है, इस बॉर्डर को, इस बॉर्डर लाइन को क्या बोलते हैं? सबसे पहले 49th पैरेलल लाइन, ठीक है। आपको पता है कि कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसका लॉन्गेस्ट जो कोस्ट है ओशियन के साथ, लॉन्गेस्ट कोस्ट कौन सी कंट्री के साथ लगता है, कौन सी कंट्री का लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। अगर इंडिया में पूछे तो इंडिया में आपको याद रखना है कि गुजरात का कोस्टल रीजन सबसे लंबा है, ठीक है, गुजरात का कोस्टल रीजन सबसे लंबा है। अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे एक कौन सी ऐसी लेक है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिचिगन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए कि कौन सी दो वाटर बॉडीज के पास में यूएसए जो है वो लोकेटेड है, तो पहला पैसिफिक हो जाएगा और दूसरा अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है, प्लस एक चीज और याद रखनी है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे हाइएस्ट पीक कौन सी है? देनाली, ठीक है, देनाली इसकी हाइएस्ट पीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो ये पैसिफिक रीजन है, पैसिफिक रीजन, उसमें आपको पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर नाम की एक जगह मिलती है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। येलो स्टोन पार्क आपको कहां पे देखने को मिलता है? तो ये भी आपको यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है। यहां से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब यूएसए की चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। क्या याद रखनी है? यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन अंकल, इसके बाद आपके वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अब कमला हैरिस की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये याद रखना है। अब यहाँ पे टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं? टोटल 50 स्टेट हैं, और डीसी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी नाम की जो एक जगह है जहां पे क्या मिलता है आपको, किसका हेडक्वार्टर? आपको IMF का हेडक्वार्टर और किसका, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और इस दोनों को क्या बोला जाता था? ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वॉशिंगटन डीसी है वो 51st नंबर की का स्टेट यहाँ पे बनने जा रहा है, बना नहीं है अभी, ठीक है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बनाया गया है? सोनू सूद? नहीं, सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन कहाँ के, पंजाब के अंदर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और क्या देश का मेंटोर, ये कौन याद रखेगा? देश का मेंटोर कौन है? सोनू सूद। किसने कहा? दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट से आपको याद रखना है यहाँ के सीएम केजरीवाल अंकल, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पवनदीप राजन। अब उत्तराखंड की बात आती है, तो चलिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? 1st नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था।
फॉर्मर सीएम, इसके पहले सीएम कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। भैया अपनी ये बहुमत नहीं बना पाए थे, इसलिए इनको सरकारी ये सरकार से इनको हटना पड़ा। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई सीएम होता है किसी राज्य में तो उसको 6 मंथ के अंदर उसको लोकसभा में अपना मेंबरशिप, मतलब मेंबर आपको दिखाना होता है, लेकिन ये फेल रहे इस चीज को करने में, इसलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम की कुर्सी से हट गए। अब दूसरे सीएम जो आए हैं, नए सीएम, उसका नाम क्या है? हमारा नेता कैसा हो? पुष्कर सिंह धामी जैसा हो। ठीक है, तो पुष्कर धामी यहाँ के सीएम है और यहाँ की जो गवर्नर है आपको पता है बेबी रानी मौर्य है। फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से बोला जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आता है, तो 1972 में आता है, ये भी याद रखिएगा। लाइकेन पार्क, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये उत्तराखंड में, इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क। वन डे सीएम यहीं पे बनाई गई थी, कौन? सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, सृष्टि गोस्वामी। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो ये भी यूके में है, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, हाईएस्ट पीक उत्तराखंड का कौन सा है? तो ये नंदा देवी है। यहां से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो बेसिकली ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कैसे? ऑपरेशन देवी शक्ति, आपको पता है कि इसकी जो हालत है बहुत बुरी हो चुकी है, तो यहाँ पे शरिया कानून लागू हो रहा है, शरिया कानून लागू हो गया है। और इसके बाद ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे विमेंस की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, यहाँ भुखमरी सबसे ज्यादा है, जिसमें 39 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से 14 मिलियन लोग भुखमरी से प्रभावित हैं, भुखमरी से। तो इसमें इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया जो जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति किस लिए? अपने इंडियंस को अपने देश वापस लाने के लिए। कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। यहाँ से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। बामियान बुद्धा की जगह, बामियान बुद्धा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड था, जिसको तोड़ दिया गया था तालिबान के द्वारा? तो ये अफगानिस्तान में हो जाएगा। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि शहतूत डैम कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी अफगानिस्तान में लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सलमा डैम कौन सी नदी पे लोकेटेड है, तो सलमा डैम जो है वो हरी नदी पे लोकेटेड है। किसने बनवाया था? तो इंडिया ने बनवाया था अफगानिस्तान में। ठीक है, ये इंडिया और अफगानिस्तान की फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद अब चलते हैं श्रीलंका से, याद रखना है आपको पाक स्ट्रेट, जाफना, हम्बनटोटा पोर्ट, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे भी फूड क्राइसिस चल रहा है। इराक, इराक की कैपिटल बगदाद, और ये इसकी कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरम ओटा, और इसके बाद ईरान की कैपिटल तेहरान। यहाँ से इतनी चीजें याद रखनी है। देखो यहाँ पे इंडिया इवैक्यूएट इट्स सिटीजन सेफली फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, ये देखिए कैसे एयर इंडिया की फ्लाइट से हमारे लोगों को वहां से सेफली लाया गया। ठीक है, अब चलते हैं कैपिटल क्या है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। चलिए अब डेनमार्क घुमा के लाते हैं। डेनमार्क जो है आपको यहाँ से ये चीजें याद रखनी है। डेनमार्क जो है, क्या आपको याद रखना है कि ये स्कैंडिनेवियन की एक कंट्री है। ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, और इसके बाद जब इसको ये ईस्ट आइलैंड के साथ मिला देते हैं, आइसलैंड के साथ, तो ये क्या हो जाता है? बाल्टिक कंट्री हो जाती है। इतना आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये बॉर्डर जो शेयर करता है जर्मनी से करता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी वाटर बॉडी है, तो ये कौन सी है? नॉर्थ सी है। ठीक है, और इधर कौन सी है? इधर बाल्टिक सी की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। बाल्टिक सी जर्मनी के जस्ट ऊपर है, और इसके बाद यहाँ से इसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नया जियो स्पेशल प्लानिंग पोर्टल युक्त धरा? युक्त धरा अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब ये याद रखना है कि इसके जो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर हैं, कौन है? गिरिराज सिंह। अब मिनिस्ट्री की बात आती है, तो आपको याद रखना है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? राजनाथ सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। रेलवे मिनिस्टर कौन है? राजीव मित्तल। और इसके बाद आपको याद रखना है वो
हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर आपको याद रखना है कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, सॉरी मनसुख मंडाविया। इसके बाद आपको याद रखना एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो ये है धर्मेंद्र प्रधान। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, मोहम्मद अब्बास नकवी जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश को, ठीक है, वाटर प्लस सर्टिफिकेशन दिया, जो कि तीन से आंध्र प्रदेश की तीन सिटी को अंडर स्वच्छ भारत मिशन एंड स्वच्छ सर्वेक्षण असेसमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। टेकचंद, इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था आपसे कि टेकचंद कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। ये बेसिकली जेवलिन थ्रोअर है एक, और इसी को कहा जाता है शॉटपुट। ठीक है, अगर शॉटपुट आ जाए ऑप्शन में तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो टेकचंद जो है अब ये पैरालंपिक्स में, ठीक है, पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीते हैं। अब इनका नाम क्यों चर्चे में रहा है, एक तो मेडल की वजह से चर्चे में है, दूसरा जो इंडिया का फ्लैग है ओपनिंग पैरालंपिक्स की ओपनिंग में यही लेके चले थे। पहले चलने वाले कौन थे, तो ये मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनको हो गया कोविड, तो इनकी जगह पे फ्लैग को कौन लेके चला था, टेकचंद। ठीक है, अब चलते हैं, ये देखिए ये है टेकचंद। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने मेरा वतन मेरा चमन नाम का मुशायरा कब 28 अगस्त 2021 को लॉन्च किया अंडर अमृत महोत्सव। आपको पता है कि 75 इयर्स हमारे अभी आजादी के चल रहे हैं, ठीक है, 74th कंप्लीट किया है इंडिया और 75th ईयर में एंटर किया है, तो हम मना रहे हैं अमृत, आजादी के अमृत महोत्सव। तो इस ड्यूरेशन में किसने ऑर्गेनाइज किया मेरा वतन मेरा चमन, कौन सी मिनिस्ट्री ने, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। अभी आपको मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किसके पास है, तो ये मोहम्मद अब्बास नकवी के पास है। डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है किसके पास, राजनाथ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के पास। टूरिज्म किसके पास है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है कि किसके किसके बीच में होता है, इंडिया, फिर यूएसए, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये चार देशों मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो चाइना की हरकतें हैं ना, चाइना की पावर जो बढ़ती जा रही है, उसकी पावर को कम करने के लिए ये एक्सरसाइज हो रही है। तो ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि ये बेसिकली कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1992 विल बी द राइट आंसर। बागवाल फेस्टिवल, अभी रक्षाबंधन के टाइम पे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कौन से स्टेट ने सेलिब्रेट किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तराखंड का देखिए इस तरीके से कुछ बागवाल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रोड लीडिंग टू द राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या, आपको पता है राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर का बहुत तेजी से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2023 में श्रद्धालुओं के लिए ये खुलने वाला भी है। तो ये कहा जा रहा है कि जो रोड यहाँ पे जाती है कहाँ पे, राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो उस रोड का नाम क्या होगा, तो उस रोड का नाम बेसिकली कल्याण सिंह रोड मार्ग होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम, अच्छा हाँ, तो चलिए अयोध्या की बात आ जाती है, तो कुछ अयोध्या के फैक्ट्स भी तो देख लेते हैं। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे, अयोध्या जो है यूपी में है। अब यूपी का कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ कौन से नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। यहीं पे लखनऊ में ही बी आर अम्बेडकर का मेमोरियल एक बनाया गया हाल ही में, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद लखनऊ में क्या हुआ था, डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भी हुआ था 2020 में। ठीक है, और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है
की जो लखनऊ है इसको सिटी ऑफ नवाब कहते हैं और ये चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब बात आती है यूपी की, तो यूपी में वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन था मंडुआ रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यहीं पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, रुद्राक्ष कन्वेंशन जो है ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है, वाराणसी में आपको देखने को मिलता है। किस लिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं वो यहीं पे ऑर्गेनाइज करी जाएंगी ऐसा। अच्छा, वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये भी बता दीजिए। तो वाराणसी जो है वो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अमेठी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये स्मृति ईरानी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये राजनाथ सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, नेम ऑफ विच एयरपोर्ट हैज बीन अनाउंस्ड एज महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर अभी महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब इससे एक चीज और याद रखनी, हावड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, किसके नाम पे, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रख दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और रेलवे स्टेशन से मंडुआ का याद ही रखना है आपको। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क एट अ हाइट ऑफ 11,000 फीट वॉज इनॉग्रेटेड नियर द इंडो चाइना बॉर्डर इन विच स्टेट। अब इसमें से इंडो चाइना बॉर्डर ये चारों स्टेट लगाती हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो जहाँ पे हाईएस्ट हर्बल पार्क खोला जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। देख लीजिए, अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी, कौन से विलेज भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो विलेज आपको याद रखना है माना विलेज, ठीक है। माना विलेज में ये हाईएस्ट हर्बल पार्क खोला गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये यूएन फूड एजेंसी ने अभी हाल ही में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लिए थे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री एक कॉन्फ्रेंस लॉन्च मतलब होस्ट करने जा रही है कौन सी कंट्री है आपको बताना है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। भारत ये इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को होस्ट करने जा रहा है। अब इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को September 3 में। इंडिया जो है ये याद रखना है क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। अब व्हेन वाज दिल्ली मेड एज अ नेशनल कैपिटल, तो ये 1912 याद रखिएगा। इसका DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, इसरो का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी सांबर लेक, ये जो सांबर लेक वाला रीजन है ना, आगे देखिए, ये जो सांबर लेक वाला रीजन है ना, ये धीरे धीरे कहा जा रहा है ऐसा कि ये श्रिंक होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, यहाँ पे नमक उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आपको पता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। लेकिन 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 अगर मैं पूछूँ कि राजस्थान में कहाँ पे लोकेटेड है, तो आपको बताना है कि जयपुर में बेसिकली देखने को मिलता है। जयपुर में फुलेरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच एडिशन ऑफ वीक लॉन्ग एनुअल एक्सरसाइज गांडिव, ठीक है, जो गांडिव है इसका अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई है, किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये अभी हाल ही में कौन सा एडिशन था इसका, ये पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड एडिशन इसका था। भाई साहब, इन लोग को देख के ना अलग ही फीलिंग आती है, अलग लेवल की फीलिंग आती है, मतलब इनकी मतलब पर्सनालिटी देखो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किसने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय गोरखनाथ में भी खोला गया है, तो इसकी नींव किसने रखी है, इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने रखी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ यूपी ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट हो जाएगा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है एक न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर न्यू व्हीकल्स अंडर BH सीरीज, ठीक है, टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स। बेसिकली क्या होता था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसके जो मिनिस्टर हैं कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये बेसिकली किस लिए किया गया है, ये जो है देखिए, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप में से कोई किसी के भी फादर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो आप देखते हो कि
ट्रांसफर होता रहता है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग उसमें, तो कहीं ट्रांसफर होने के बाद जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए दिक्कत आ जाती है कहीं पे, जब ये सर्विसिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये अब जो BH सीरीज़ है इसको फैसिलिटेट करने का एक मेन मोटिव है कि ये ऑल ओवर इंडिया में वैलिड रहेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम कहीं भी अपनी व्हीकल कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलेटेड है, जिसकी मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। हेल्थ मानसुख मंदाविया। एजुकेशन ये धर्मेंद्र प्रधान। बार बार मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। मध्य प्रदेश अभी हाल ही में एक प्रॉमिस इन्होंने किया है, क्या पक्का रूफ, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे सभी पुअर फैमिली को। तो आपको बताना है कौन से ईयर तक इनका ये मोटिव जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2024। When is National Sports Day celebrated? आपको पता है कि जो National Sports Day है वो किसकी याद में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29th of August को ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, और इनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो दिल्ली का स्टेडियम है, दिल्ली का जो कोटला फिरोजशाह कोटला स्टेडियम था उसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया विल बी द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपके करंट अफेयर्स में, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।